नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है प्रमुख समाचार। हरियाणा के गांवों में 24 घंटे बिजली। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने म्हारा गांव जगमग गांव नाम की एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत उन सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी जो 100% बिजली बिल का भुगतान करते हैं। इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने का अपना वादा पूरा करने को प्रतिबद्ध है। भारत के पास कई मैच विनर, गांगुली ने कहा। भारतीय बल्लेबाजी क्रम भले ही विराट कोहली पर काफी निर्भर लग रहा हो, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि वनडे क्रिकेट टीम में टीम के पास कई मैच विनर है। गांगुली ने कहा कि वनडे क्रिकेट में कई मैच विनर है, उनमें से रोहित शर्मा एक है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में उनका शतक यादगार था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास विश्व कप बरकरार रखने का सुनहरा मौका है। राफेल की जगह नहीं ले सकता सुखोई। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अरूप राहा ने फ्रांसीसी राफेल विमानों की जगह और अधिक रूसी सुखोई 30 विमान खरीदने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि दोनों विमान एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। राफेल के साथ बातचीत टूटने की आशंका से जुड़े संदेहों के बीच राहा ने कहा कि उनकी सेना का कोई प्लान बी नहीं है, वह केवल प्लान ए पर काम कर रही है। रक्षा सूत्रों ने कहा था कि राफेल समझौता नहीं होने की स्थिति में भारत और अधिक सुखोई 40 विमान खरीद सकता है।